हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक जो वीडियो अपलोड किया था वो वीट हार्वेस्टिंग का था। तो हमारे जो क्षेत्र है, बड़नगर क्षेत्र कहलाता है और इंदौर बेल्ट भी पास में ही पड़ता है, तो उसमें हमारी वीट की हार्वेस्टिंग चल रही है। देखिए, हमारे खेत में हार्वेस्टिंग चल रही है और यहाँ पे अभी एक वायरस का पता पड़ा है कि जिसके कारण यहाँ पे उपज कम बैठी है। मतलब हमारी जो उपज आई है प्रति बीघा के हिसाब से आई है 9 से 12 क्विंटल, और ऐसे हमारा बैठता था 15 से 20 क्विंटल बीघा बैठता था। तो आप देख सकते हैं कि वायरस का इफेक्ट बहुत से फसलों पे हुआ है, क्योंकि हम आजकल जैविक खेती तो करते नहीं, सब रसायन खेती करते, जिसका ये इम्पैक्ट है कि बॉडी के, जैसे कहते हैं ना कि बॉडी में आपने कैसा खाया है उस हिसाब से आपका इम्यून सिस्टम वर्क करेगा, सेम उसी तरह खेती में भी होता है। खेती में आपने कैसा खाद डाला है, कैसा आपका, मतलब आपका जैविक है या रसायन है, दोनों का इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए आप कहीं कहीं अगर आपको दिख रहा हो छोटा छोटा, कहीं कहीं गेहूँ थोड़े काले हो रहे हैं, ये सब बारिश का इम्पैक्ट है। गेहूँ की उपज तो जो सोचा था औसतन उससे तो कम ही बैठी है, बट इससे नुकसान किसानों को ही है। पर किसान ये बात भी समझे कि हमें कहीं ना कहीं अपनी पुरानी जो विधियाँ थी उनमें जाना चाहिए। ये देखिए, हार्वेस्टिंग कर रही है, तो पंजाब से आ रही है हार्वेस्टिंग। देखिए, इसके पीछे शुक्ला भी निकलता जा रहा है। शुक्ले की भी आजकल मशीन आ गई है, जिससे वेस्ट नहीं होता, अब जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिससे ज़मीन को नुकसान होता था, अब आप इसको कटवा भी सकते हैं। जिनके घर गाय भैंस होती हैं उनके लिए तो बहुत काम की चीज़ है। इसी तरह लहसुन की भी हार्वेस्टिंग का वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, पूरी जानकारी के साथ बने रहिएगा मेरे साथ। कैसा लगता है आपको मेरा चैनल, कि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि नहीं? क्योंकि मेरे पास कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, जो भी रहता है वीडियो मेरा लाइव रहता है, बिल्कुल ये समझिए कि लाइव ही देख रहे हैं एक तरह से, विदाउट एडिटिंग। तो बने रहिएगा मेरे साथ, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करने से आपको ये, मतलब आप ये पता पड़ता है कि आप ये इन्फॉर्मेशन किसी अपने को देना चाह रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो से कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वो हर किसी को शेयर कीजिएगा। आजकल बहुत नए तरह से लोग किसानी करने में उतरे हैं, तो उन्हें अच्छे अच्छे वीडियो, खासकर ओरिजिनल वीडियो का बहुत ज़रूरत है, क्योंकि है ना, आप देखेंगे जिस तरह से बातें ज़्यादा बताई जाती है, ग्राउंड लेवल पे कुछ भी होता है, ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो सही इन्फॉर्मेशन आपको हर फसल से रिलेटेड मेरे यहाँ मिलेगी, बोने से लेके हार्वेस्टिंग तक। सो कैसा लगा आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बने रहिएगा मेरे साथ।